सुजानगढ़ शहर के पुलिया चौक के पास हमजा टूर एंड ट्रेवल्स का लोकार्पण सैयद मसूद जमा साहब, सैयद महमूद जमा साहब, शहर काजी अक्रम रिजवी, सभापति निलोफर गोरी, मालासी सरपंच विश्वजीत कसवाने फीता काटकर किया। व्यवस्थापक गोपाल चौधरी ने बताया कि रियायती दरों पर विदेशों में वर्किंग वीजा की सेवा जनता को यहां पर दी जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, रफीक खान, जावेद खिची, पार्षद आसिफ खान असवान, रमजान खान, शाहिद खान, सदाम कादरी, हाजी मोहम्मद, इरफान खान, उमेद खान कायम खानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत विक्की खान, समीर खान आदि लोगों ने किया। आज यहाँ सुजानगढ़ में पुलिया के पास में हमजा टूर एंड ट्रेवलर्स और कादमनी एब्रोड कंसल्टेंसी ने संयुक्त रूप से ऑफिस का उद्घाटन किया है। यहाँ पे यूरोप और गल्फ कंट्री के वर्क वीज़ा का संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एयर टिकट्स, इमिग्रेशन और टूर पैकेज की भी जानकारी दी जाएगी। अतः आप सभी से निवेदन है, हमारे ऑफिस आइए और निःशुल्क सारी जानकारी लीजिए और प्रोसेस के बारे में जानकारी लीजिए। धन्यवाद। शराब तस्करी के 13 साल पुराने प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी सिद्ध करार देते हुए न्यायालय ने 3-3 साल के कारावास की सजा से दोनों को दंडित किया है। सहायक लोक अभियोजक महेश नेहरा ने बताया कि एसजीएम कोर्ट के न्यायाधीश विकास गजराज ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। नेहरा ने बताया कि जगदीश पुत्र नानूराम निवासी गांव रणधीशर, घिसाराम पुत्र बालूराम निवासी भुखरेड़ी को 3-3 साल के कारावास की सजा तथा 20,000 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण में वाहन मालिक रामलाल अभी भी फरार चल रहा है। अभियोजन अधिकारी नेहरा ने बताया कि प्रकरण के तहत सुजानगढ़ पुलिस ने 27 अगस्त 2011 को बिना नंबरी जीप को रुकवाकर 1824 पवे शराब के बरामद किए थे। मामले में सरकार की ओर से पैरवी महेश नेहरा एपीपी ने की। कांस्टेबल नंद किशोर ने दोनों दोष सिद्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लिए।